जेके 24/7 न्यूज़ में आप सभी लोगों का बहुत स्वागत करते हैं। आज 5 जून यानी कि वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे हम लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं। यूटी लद्दाख के ले डिस्ट्रिक्ट में हम लोग वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे को बहुत ही ज़ोरों शोरों से हर विभाग में हर स्कूल में वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे को सेलिब्रेट किया जा रहा है, ताकि हम अपने लद्दाख के युवा को, लद्दाख की आवाम को एनवायरनमेंट कॉन्शियस, एनवायरनमेंट फ्रेंडली बना सके, उन्हें इको फ्रेंडली बना सके और एनवायरनमेंट के बारे में सेंसिटाइज कर सके। और इसी सिलसिले में हमारे साथ मैजिक बस इंडिया फाउंडेशन की यूथ मेंटर नजुमा निसा हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। नजुमा, बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले आपसे ये पूछना चाहते हैं कि वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे पे आज मैजिक बस इंडिया फाउंडेशन ने एक इको टूर ऑर्गेनाइज किया है। इस वक्त हम लोग संगदा प्रोजेक्ट में है। इस इको टूर को ऑर्गेनाइज करने का मेन पर्पस क्या है, खास मकसद क्या है? असलाम जुले, तो हमारा मैजिक बस से मैं यूथ मेंटर हूँ। हमारा यही आज का एनवायरनमेंट डे का ये इको टूर इसीलिए किया है बच्चों को, ताकि ये ग्राउंड लेवल पे बच्चों को पता चले कि यहाँ वर्कर कैसे काम करते हैं, वेस्ट मैनेजमेंट कैसे होता है, क्योंकि हमारे बच्चे ही हमारे फ्यूचर हैं। तो उनको पता चलेगा कि फ्यूचर में हम एनवायरनमेंट के लिए क्या क्या कर सकते हैं, और यहाँ जो वर्कर है वो किसी से हीरो से कम नहीं है, वहाँ इनको कितना काम करना पड़ता है, क्या क्या करते हैं वो एनवायरनमेंट के लिए। तो उनको ये पता चले, इनको ये रियलाइज हो, अवेयर हो कि एनवायरनमेंट के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए और यहाँ के वर्कर कैसे काम करते हैं, इसलिए हमने ये इको टूर रखा है। जी, बहुत शुक्रिया नजुमा। तेने को ना इस उपला टूर सुखा क्यों नहीं दिया ले, तेने मैजिक बस एक ना जरा ना ले कोलेबोरेशन ज्वाइन से दिया ले, कोने आर्टिकल जी ना ये डिकान से फोन तो है ले, तेने और कोने जरा कि प्लेनिंग ने जरा टिक्चर ना दो है ले, किंसा तू ना दो है ले, किंसा तो सामने भी तू रुपा ले, तेज तीन होने वाला कोला जे छर पा ले, ताकि क्या हो तो मिजे चेसे किया, ताकि का लिया मुझे छला शिव जाले भाला, छला जमा कांशन जाते नो, तेज या इका कोन क्यों ते ता चुमन रुपा ले, कौन चीज होते लांचे होते ने कौन ना कजुक शिक्षा कजुक शिक्षण जितना महल है ते हिसाब से कौन है स्टिग्मा स्टेट कौन नेंचे नफाल है ते फिर दफ्तरी का कजुक सेग्रीगेशन कजुक शिक्षा छारु सम शिक हिंसा यों दो इन्हें निजा मुनि सम फिर छाला गांचन ज़्यादा ते फिर दस शिक तुम्हों शिक फिर चुन्दी फिर क्यों सुनिए ले। पप्पू बेटा ऐसा एन सी
हमारे साथ स्तनजिन दोथोन जुड़े हुए हैं। आप लोग जानते हैं आज वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे पूरे देश विदेश में सेलिब्रेट किया जा रहा है। स्तनजिन बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले आपसे पूछना चाहते हैं कि आज संगदा प्रोजेक्ट में आप CIBS चोगलम सर के स्टूडेंट्स को एक इको टूर पे लाए हैं और वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे के इस अवसर पर आप वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे के हवाले से आप पूरे लद्दाख की जनता को एक क्या मैसेज देना चाहते हैं कि एनवायरनमेंट इतना ज़रूरी क्यों है और वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे को सेलिब्रेट करना इतना ज़रूरी क्यों है? फर्स्ट ऑफ ऑल माई सेल्फ स्टंजिन रोथन, मैं FA गांव से हूँ। सो मैं एक इन्वायरमेंटल एंथुजियास्ट सॉर्ट ऑफ आप मान सकते हो। तो इन्वायरमेंट 5 जून को हर साल मनाते हैं, तो इसी दिन पे सब लोग जागते हैं सॉर्ट ऑफ। तो इसी का अपॉर्चुनिटी लेके मैंने विद CIBS एंड मैजिक बस फाउंडेशन उनके साथ कोलेबोरेट करके उनको यहाँ प्रोजेक्ट संगडा चोकलम सर मिला के इको एक्सपोजर टूर के नाम से हमने किया है, जो इस तरीके से है कि क्लिनिनेस ड्राइव तो हर कोई करता है, उसके बाद का सॉर्ट ऑफ किसी को उतना आइडिया नहीं होता है कि क्या होता है सेग्रीगेशन सेंटर पर, MRF पर। तो उनको बच्चों को, क्योंकि ये फ्यूचर जनरेशन आने वाले हैं, तो इनको जो एक्सपोजर मिलना चाहिए पर्टिकुलरली ऑन वेस्ट, क्योंकि लद्दाख एक बहुत फ्रेजाइल इन्वायरमेंट है, तो इसीलिए उनको एक एक्सपोजर मिले कि उनको अपने ऊपर समझ में आए कि वो कंजम्पशन क्या कर रहे हैं प्लास्टिक कंजम्पशन, क्योंकि इसी इन्वायरमेंट डे का थीम है बीट प्लास्टिक पोल्यूशन। तो इसीलिए थैंक यू, बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू।
CIBS चोगलाम सर के स्टूडेंट्स हमारे साथ जुड़े हुए हैं और अभी हम इनसे वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले आपसे पूछूंगी, आप प्लीज हमारे व्यूअर्स को अपना नाम बताइए और छंगदा प्रोजेक्ट में आप लोग यहाँ पर आए हैं, आप लोगों ने देखा है कि यहाँ पर जितने भी लेडीज हैं, कर्मचारी हैं, वो कैसे काम करते हैं, इसके बारे में आप क्या बताना चाहते हैं बाकी के स्टूडेंट्स को लद्दाख के। सबसे पहले मेरा नाम है दिचन लाडोन, मैं केंद्रीय बोध विद्यालय संस्थान से आया हूँ। तो मैं ये कहना चाहती हूँ, यहाँ पे जो जो वर्कर है तो उन लोगों को बहुत थोड़ा सा यहाँ पे कठिन भी है, क्योंकि वो लोग इतना काम करती है। हमें ये कहना चाहिए उन लोगों को, एक तो सैलरी भी कम है बोल रहा था, एक तो वो लोग भी सैलरी भी कम है, एक तो हमारा यहाँ पे सारा लोग को अच्छा काम करती है। तो मैं यहाँ पे ये कहना चाहती हूँ कि मैं यहाँ पे जो देखा कि जब हमारी जो घर में सब लोग हम खचड़ा वचड़ा सब मिला करके हम फेंकते हैं, तो ये मत फेंको बोल के कृपा करके, जो वो लोग इतना वो जो कठिन है वो लोग अलग अलग रखते हैं, प्लास्टिक अलग रखते हैं और गद्दा भी अलग रखते हैं, जो छिलका भी अलग रखते हैं, और ये सब जो अलग अलग रहते हैं हम लोग ये सब जो पालन नहीं करते हैं। तो इसलिए मैं ये कहना चाहती हूँ कि ये सब पालन करो, जो प्लास्टिक अलग रखो, गद्दा भी अलग रखो, तो मैं ये कहना चाहती हूँ। जी बहुत बहुत शुक्रिया। आपसे पूछेंगे, सबसे पहले प्लीज़ आप हमारे दर्शकों को अपना नाम बताइएगा, और इस साल का वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे का थीम है बीटिंग प्लास्टिक पोल्यूशन। प्लास्टिक कितना ज़्यादा हार्मफुल है हमारे एनवायरनमेंट के लिए, आज आपने अपने इको टूर से जितना भी समझा है, आप ही की तरह आप ही के हम उम्र बाकी स्टूडेंट्स को आप क्या बोलना चाहते हैं? सबसे पहले मैं अपना नाम बताना चाहती हूँ, मेरा नाम सिंगलामो है। तो मैजिक पास हमारे स्कूल में हफ्ता हफ्ते में आके हमें वो करते हैं। तो आज हम लोग सोलर कॉलोनी में आए तो हमें ये पता लगा कि प्लास्टिक और वो गद्दे वद्दे सब जो होता है उन सबको हमें मिक्स करके फेंकना नहीं चाहिए, तो हमें अच्छे से उसको करना चाहिए। तो मुझे तो हम मुझे ये कहना है कि जो प्लास्टिक होता है वो हमारे लिए बहुत हार्मफुल होता है, तो उन सबको थैंक यू। आपसे पूछेंगे, जैसा कि यहाँ पर मैजिक बस इंडिया फाउंडेशन ने, स्तंजिन ने आप सबको समझाया है कि लद्दाख कितना इको फ्रेजाइल एक प्लेस है, कितना इको फ्रेजाइल एनवायरनमेंट है हमारे लद्दाख का, पूरी सोसाइटी का एनवायरनमेंट का, और यहाँ पर विजिट करने के बाद आपने आज देखा होगा कि एज इंडिविजुअल्स, एज सोसाइटी हम लोग कितना वेस्ट जनरेट करते हैं। तो आप अपने साथियों को, अपने दोस्तों को एक क्या मैसेज देना चाहते हैं कि कम से कम वेस्ट किस तरीके से जनरेट किया जा सकता है? जुले ने मिला स्थानीय छिपे चले तीन दो जन की प्लास्टिक वो मम्पो यूज हुआ मजा तेने तंग तंग छाज में बाजार छाज को ने तेने आती छूट होना बाजार न्यू नो तेने सब्जी और न्यू ना चितों ने प्लास्टिक में नहीं शामिल डाले और तुम जो मजा जुचन जाले तेने आती छूट होनी न्यू ना उसको ना खंबा ने कुतिश को दजा तेते प्लास्टिक बोतल वो यूज हुआ मजा डाले तेने तो वो सब्जी न्यू अचिक ने तो अचिक ने प्लास्टिक बेग से शुरू करे तो कम यूज कम चाहते चिन्ह तेने ट्रांसपोर्ट थमा ना मापो फांस तो तेने यूज मचो तेने प्लास्टिक बैग मापो यूज चो मजा दे चिन्ह तेने मैं चेस में रख सकते। आपसे मैं पूछना चाहती हूँ कि वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे पे सिर्फ हम इंसानों को ही इस प्लास्टिक और इस वेस्ट से नुकसान नहीं हो रहा है, हम जानवरों को भी नुकसान हो रहा है, हमारे साथ बहुत सारे जानवर हैं जो इस लैंड को शेयर करते हैं, इस एरिया को हम शेयर करते हैं। तो प्लीज़ हमारे दर्शकों को ये बताइए कि ये प्लास्टिक वेस्ट हो या किसी भी टाइप का हार्मफुल टॉक्सिक वेस्ट हो, इससे हमारे एनिमल्स को, जानवरों को कितना नुकसान पहुँचता है? हाँ, तो सबसे पहले मैं लद्दाखी में बोलना चाहता हूँ कि ता मंगपे यूज चौनपा प्लास्टिक बोटल्स मैगी वैगी ले जो मंगपो जान होता तथे जो जो चलो ठीक है जानक मे फंसा जगह क्या ले मतलब जगह जगह दंग दिले आज के यूज मीन दंग से क्या यूज मीना फंगने से क्या डस्टबिन आता जगह जगह तेना दंग से क्या तेने तेना जो खुने ता फंग चलो ठीक है नौ दानो तेगा मैं सिमचा नहीं नो एग्जाम से नौ दानो यानी
निजा ना थों तो कौ नतंग नते गद्दा शुगुरी फासे बलंग वलंग जान होयाले नते बलंग वलंग जस पतिन खोने ते ना पात मतलब तो जुमा जते इजक्शन होयाले जुमा जते जुमा जस पतिन खों शियन होयाले ते खोना नोसन ते नता ते गन मंगता जो जस ते ना गुमा नता संस पे थामा जान होयाले जो तेने तेने का फों ते संस पे ना चाम सि बुची बुची न्यावा मि क्याले खोना नोट्स क्याले नो तेने फंसा आता जगह दिमो जापों ते गंगे खून स्पेच होते तदिन गजाएगा वोल इन्वायरमेंट डे चीजते गजाएगा यूं तो मैं त खून गजाएगा यूं से ची थोंग देते पाया लगे ते थोंग बता गजाएगा खून ते ची चुआ दिखान बथोंग से ते गजा ते रियल है सोच तो मैं ते इजुक चीज मिदुक खाला दिमो मिदुक गजा दिमो चुस्ते फंग सोच समझते ते सोच बता ते ने तल दिमेक जैसे फंग सो पाया ले ते समझे ना तम थुम जन कान सुसो चुस्ते फंग सो या ले मतलब ते ड्यू खो बोटल खो रंग अलग ते जो तिने ये होटल तंगान जो टंगो मजे आचे नजर को निजेस पसंद ते खोने ते मतलब ते खोने नुम मांगपो यूशन हो पाया लाले ते नुम मांगपो यूशन पता खोन इन्हें खोने का ता छुन मन में रिक संख्या हो याले मगर ते लुद ने गिरा मसाले नुम मांगपो ता केमिकल ने डेस पा लुद था गिरा मिलुक लो याले ता खोने ते ता फंग फंसा जगह में क्या ता फंग फंग याले मफंग जमे मगर ता ते सोसेक जैसे फंग याले ता मतलब सब्जी ना ते इसको अलग सोले सब्जी कोरंग ता ड्राई फूड कोरंग क्या ड्राई वेस्ट क्या वाले ले वो तो कोरंग सोसो फंचेस तने मतलब ता बोटल होटल ना अलग फंचेस इका यों से थंग वाले ले सुखी गुस्सा ये वो पूरा थंग वाले गजा ता तदिन ता गल्ला छोड़ छोड़ तनो कि गजा इजुक शियत मतलब ता इजुक शियत ना सोफ पोशनो गजा लोस्ट मतलब ता री यूज छनो ते गजा पता है क्या सवाल है मार ता चुक से छत जस के गजा दिरिंग जोते थोंस न वाला ले खने ता मिंदा मिंदा चोर को आले एक पगबू जो तो मतलब ता खने पगबू ता गला गुनले मे तब चे जंग ते मने यंग ते कोना खंपा बान सो जी सिगे चित को आले ले ता मतलब ता ची गजा ते खंपा थोंग मा थोंग बयाले ते फे मतलब ते ते मिंदा ता खोने एक मशीन नल दिमो दिमो दिखे उस दिखे ले कम आता मा फन थोसा दे ले जगह संग मा ते तो ना फिर ता नतंग रातन नो क्या लानो गता ना गता रहे मतलब ता सिमचन ने गता चंग मचन हो पाया ले ता सिमचन ने नो मास क्या लान गता ता खोना तो दिमो जस्ते बोल ना गता संग मास कित पन हो पाया ले ते संग माला तुझे मैजिक बस इंडिया फाउंडेशन और स्तंजिन दोथोन का बहुत ही बेहतरीन कोलैबोरेशन आज यहाँ पर हमें देखने को मिला है। सीआईबीएस चोगलम सर के स्टूडेंट्स को सोलर कॉलोनी में स्थित संगा प्रोजेक्ट के एक इको टूर के विजिट पे इनको यहाँ पर आज सीआईबीएस चोगलम सर के स्टूडेंट्स को लाया गया है। बहुत बेहतरीन ये एक इनिशिएटिव इन्होंने लिया है। वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे का इस साल का जो थीम है बीट प्लास्टिक पोल्यूशन, मेरे पीछे आप लोग देख सकते हैं कि कितना सारा वेस्ट यहाँ पर जमा किया गया है, जो हम ही लोग इस वेस्ट को जनरेट करते हैं। इसमें से बहुत सारा वेस्ट जो है टॉक्सिक वेस्ट है। यहाँ पर लोग कर्मचारी काम कर रहे हैं, बहुत मेहनत करते हैं इस वेस्ट को सेग्रीगेट करने में, इसको अलग करने में। हमारे एनवायरनमेंट के लिए ये बहुत ज़्यादा हार्मफुल है, ये आप लोगों ने कई बार सुना भी होगा। जैसे किसी ने कहा भी है कि क्लीनलीनेस ड्राइव तो सब कोई करते हैं, लेकिन हमारा वेस्ट जाता कहाँ है, किस तरीके से वो रिसाइकल होता है, उसको सेग्रीगेट कौन करता है, सेग्रीगेशन प्लांट और रिसाइकलिंग प्लांट कितना ज़्यादा ज़रूरी है लद्दाख के लिए, ये आज यहाँ पर स्टूडेंट्स को दिखाना, लद्दाख के यूथ को दिखाना बहुत ही अच्छा एक इनिशिएटिव है। चैनल के माध्यम से भी आप लोगों से यही गुजारिश करना चाहते हैं कि सिर्फ वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे के दिन ही नहीं सबको सेंसिटाइज होना चाहिए, बल्कि पूरे साल भर सब लोगों को कॉन्शियस होना चाहिए, अपने वेस्ट को सेग्रीगेट करना चाहिए, सेंसिटाइज करना चाहिए अपने आस पड़ोस के लोगों को, अपने बच्चों को, क्योंकि ये एनवायरनमेंट हमारे लिए है। हम यही हवा पे डिपेंडेंट है, इसी पानी पे हम लोग डिपेंडेंट है। अगर हम अपने एनवायरनमेंट को साफ नहीं रखेंगे तो हमारे लिए, हमारी आने वाली जनरेशन के लिए, हमारे घर में पल रहे जानवरों के लिए, कैटल के लिए, इस एरिया में, पूरे लैंड में, पूरे जगह में वाइल्ड एनिमल्स के लिए, स्ट्रे एनिमल्स के लिए कितना ज़्यादा हानिकारक ये साबित हो सकता है। वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे इसीलिए सेलिब्रेट किया जा रहा है ताकि हम एनवायरनमेंट के प्रति कॉन्शियस रहें और अपने वेस्ट को अच्छे से सेग्रीगेट करें। बने रहिए, लगातार अपडेट्स आप लोगों तक पहुंचाते रहेंगे। संजिन दोरजे के साथ मैं जैनब संधू, JK 24/7 न्यूज़ के लिए लेह लद्दाख से।